हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों ने अब विरोध तेज कर दिया है। प्रभावित हो रहे व्यापारियों ने आज अपनी दुकानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन पर बेवजह व्यापारियों का उत्पीड़न कर दुकान तोड़ने के गंभीर आरोप लगाए। व्यापारियों का कहना है कि उनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कल मशाल जुलूस निकालकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने उनकी दुकानें तोड़ने पर प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है या गौर नहीं किया जाता है तो प्रशासन और सरकार इसका खामियाजा उठाने को तैयार रहे। बता दें कि मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी जद में सड़क के दोनों तरफ 12 मीटर तक कई सरकारी भवन और व्यापारियों की दुकानें आ रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सरकार द्वारा दी गई दुकानें हैं, फ्री होल्ड दुकानें हैं। ये हमारा जिला प्रशासन, हमारी सरकार किसे अतिक्रमण करे, मुझे तो मतलब यही समझ नहीं आया। क्या हम अतिक्रमणकारी हैं तो ये कौन है, मैं पूछना चाहता हूँ। सर, मैंने भी पहले हमने एक ज्ञापन दिया था, डीएम साहब को भी दिया था, अशोक चौधरी जी को भी दिया था कि हल्द्वानी में सबसे ज्यादा मांग ISBT की है। ISBT बनेगा तो अपना भी काफी यातायात शिफ्ट हो जाएगा। उसके बावजूद अगर शहर कंजस्ट है तो उसके बाद एक 100 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल बनाया, ये सामने महिला अस्पताल 100 बेड का बन रहा है। मुझे बताइए इसमें पार्किंग की जगह है? देखिए, सरकार बसा नहीं पा रही है। बड़े प्रोजेक्ट जो है, जो हमारा ISBT था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम जो हमारे शहर को झेलना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने घोषणा करी रिंग रोड की, जिसकी आवश्यकता है। आप ये दुकानें तोड़ के यहाँ पे दहशत का एक माहौल, पहले कितनी बारी चिन्हीकरण इन लोगों ने करा शासन प्रशासन ने, इन्हें समझना चाहिए। लाल निशान लगा दिए, +1 +2 हर जगह दीवारों पे लगा दिए। भय के वातावरण में व्यापारी व्यापार कर रहा है। और वर्तमान में सरकार जो है व्यवस्थाएं ये सब छोड़ करके केवल व्यापारियों का शोषण करने पे लगी है। और अब व्यापारी जाग चुका है, व्यापारियों का शोषण अत्याचार किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।